सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं संजय, आप देख रहे हैं मेरा मोटर। दोस्तों, टाटा टियागो ईवी लॉन्च हुई है 4 दिन पहले और सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी है अभी तक के बुकिंग्स के। बहुत सारे डीलरशिप पे इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हैं कि टाटा मोटर्स इन बुकिंग्स को शायद नहीं संभाल पाएगी। और 10 मिनट के अंदर जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तो वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि टाटा मोटर्स क्या बुकिंग्स को संभाल पा रही है, किस तरह से डिलीवरी टाटा मोटर्स टाटा टियागो ईवी की देने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टाटा टियागो ईवी को टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और बहुत सारी बुकिंग्स डीलरशिप के पास भी आ रही हैं। जिस समय गाड़ी लॉन्च हुई थी उसके 10 मिनट बाद टाटा मोटर्स का जो वेबसाइट था वो क्रैश कर गया था बहुत ही हैवी ट्रैफिक की वजह से। हर कोई लोग इसे परचेज करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये जो गाड़ी है टाटा टियागो ईवी, ये बजट फ्रेंडली कार बन गई है। अब तक की सबसे सस्ती कार है टाटा टियागो ईवी। वेबसाइट क्रैश होने के बाद बहुत सारे लोग इसकी बुकिंग्स भी नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, आने वाले टाइम में इसका बहुत ही बोलबाला रहने वाला है। तो टाटा मोटर्स ने अभी अपनी पकड़ को और ज़्यादा मार्केट में मजबूत करने के लिए टाटा टियागो ईवी को नॉमिनल प्राइजेस पे लॉन्च किया है। मिनिमम प्राइजेस में लॉन्च होने के साथ साथ ये मिडिल क्लास फैमिली के बजट वाली कार बने। इको फ्रेंडली कार होने की वजह से ये जो कार है सुपर डुपर हिट जाने वाली है। मार्केट में अभी तक इतनी सस्ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल किसी ने भी बना के नहीं दी हुई है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि टाटा मोटर्स क्या इन बुकिंग्स को कंप्लीट कर पाएगा। तो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के बाद भी टाटा मोटर्स पूरी तैयारी पे है कि टाटा टियागो की बुकिंग्स में कोई भी डिले ना आए। तो कैसा लगा ये छोटा सा अपडेट? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ ड्राइव।